आज हम लोग ये UPS रिपेयर करेंगे, जेब्रोनिक्स पावर UPS जो है ये रिपेयरिंग के लिए आया है, तो आज हम लोग इसे रिपेयर करेंगे। देख रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो ये डेड कंडीशन में है, ये ऑन किए ऑफ किए ये कुछ भी नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम इसका बैटरी चेक करेंगे पहले, और ये इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कैबिनेट इसका निकाल लेंगे, खोल लेंगे इसको पहले। उसके बाद में देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है, बैटरी से है या सर्किट से दिक्कत है या फ्यूज़ वगैरह है उसमें कोई दिक्कत है। तो इसका पहले कैबिनेट निकाल ले रहे हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये पेज इसका इधर ये निकाल दिए हैं, चार पेज लगा हुआ था, और ये इसको ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है उसका इधर, ये यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी चेक करेंगे, इसलिए कि ये डेड कंडीशन में है, और स्विच ऑन ऑफ करके देख लिए हैं। तो यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को DC रेंज पे कर लेंगे और इसका बैटरी चेक करेंगे, बैटरी कितना, 7.5 वोल्ट बता रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अलग से 12 वोल्ट का कनेक्शन देके यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक 12 वोल्ट का कनेक्शन ले लिए हैं, और ये 12 वोल्ट के आसपास बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है, ये 12 वोल्ट के आसपास लोड कम कर दिए, 12 वोल्ट बताने लगा। तो यहाँ का ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ से निकाल के और यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक कनेक्शन इसका निकाल दिए हैं, और यहाँ पे एक लगा देंगे एक चिमटी, तो यहाँ पे निकाल दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक लगाएंगे, ये मैन हो गया और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिए, और अब इसको एक बार फिर से ऑन करके चेक कर लेंगे हम। ये इसको यहाँ पे इस तरह से कर ले रहे हैं, ये स्विच है जो इसका, तो ये स्विच ऑन कर रहे हैं, ये बजर भी साउंड किया और ये LED यहाँ पे जलने लगा, फिर ये यहाँ ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम एक 100 वाट का बल्ब लगा के इसके आउटपुट में देखेंगे कि हमारा आउटपुट सिस्टम सही है कि नहीं है। ये UPS है कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वोल्टेज मीटर भी लगा दिए, बल्ब भी लगा दिए, और ये मल्टीमीटर भी लगा दिए हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग और बैकअप, यानी सारा चीज़ एक ही चक्कर में सब चेक हो जाएगी साथ में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऑन करते हैं इसको, यहाँ ऑन कर दिए बजर साउंड ऑन, ये बैकअप पे है, ये 11 वोल्ट 11.5 वोल्ट के आसपास बता रहा है, और 220-225 के आसपास है, और ये बल्ब है 100 वाट का लोड दिए हैं, और ये छोटा सा बैटरी लगा के हम चेक कर लिए हैं, ये वाला बैटरी इसमें लगा के चेक कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ से मेंस ऑन कर दे रहे हैं, इसका ये AC सप्लाई है, ये मेंस पे हो गया ये, और यहाँ पे चार्जिंग, ये यानी चार्जिंग ये कर रहा है, वोल्टेज यहाँ का बढ़ रहा है, यानी चार्जिंग ये इसका चार्जिंग भी चेक हो गया, यानी इसमें जो भी प्रॉब्लम था सिर्फ ही बैटरी का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे हम ये सप्लाई ऑफ कर दिए, बजर साउंड दिया, और ये बैकअप पे हो गया। अब यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग होने लगा, तो ये यहाँ से हटा दे रहे हैं इसको, बल्ब को निकाल दिए, अब ये चार्जिंग कर रहा है, ये यहाँ पे
वोल्टेज इसका बढ़ रहा है ये जी, और ये बीच बीच में साउंड दे रहा है। तो ये इसमें सिर्फ सर्किट में इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका सिर्फ बैटरी ही प्रॉब्लम है। तो जिन जिनका है उनको बता देंगे, वो बैटरी ला के देंगे तो लगा देंगे, हमारे पास फ़िलहाल ये बैटरी नहीं है। बस इनका सिस्टम ओके है इतना हम चेक करते हैं, और इनके सर्किट में कोई दिक्कत नहीं था। तो इसमें सिर्फ बैटरी का ही प्रॉब्लम है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और बैटरी चेंज करके आप इसको सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया ओके।